Today, we'll be starting a topic on human resource accounting. Now, as we all know about human resources, we have discussed so many times about human resources, right? We all know that all the human intellects, knowledge, certificates, everything comprises of our human resources, right? Human resource matlab kya? Ek company ke liye human resources kya hai? Hamare paas jitne bhi manpower, the persons who are employed in my organization, unke skills, unke attitude, unke behavioral aspect, sari cheez ka combination ko lekar hum bolte hain human resources. Now, human resources are considered as an important asset and are different from the physical asset. We know that in an organization, we have physical assets as well as we have human assets. Right? Physical assets do not have feelings and emotion, and that is why we are not lot of concern about it. Because physical assets, wherever we can keep them, they will stay like this only. They don't have any emotion. They are not dynamic. So in an organization, the most dynamic aspect or the only dynamic aspect is the internal thing, that is human aspect, and the external thing is our external environment. So we know that ek organization ko sustain karne ke liye, we have two aspects which is a lot more important than your physical aspect is the dynamic. We have to control the dynamic aspect of the environment. So what is the dynamic aspect? Actually, the dynamic aspect means the changing aspect. So hame kya karna padta hai kisi bhi organization ko, ye jo changing aspect hai na, iske sath bahut zyada zaruri hai ki we will adapt. Now how we are going to adapt, ye hame samajhne ki zarurat hai. First thing, dekho, ek organization stay kar raha hai, ek organization vacuum mein nahi hoti, ek organization society mein sustain karti hai. Kisi bhi company ki baat hai, कंपनी जब सोसाइटी में रह रही है ना, तो इस सोसाइटी में दो फैक्टर है, एक होगा उसके अपने इंटरनल फैक्टर और एक होगा एक्सटर्नल फैक्टर. इंटरनल फैक्टर से वो खुद ही बंधा हुआ है, उसके अपने ही फैक्टर्स हैं. तो इंटरनल फैक्टर में हम बोलते हैं कि इट इज वेरी मच कंट्रोलेबल, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे इम्प्लॉई या हमारे ह्यूमन एसेट, जिनके जिनके पास इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, दे कैन थिंक, दे कैन चेंज, दे कैन फील. ये जो ह्यूमन कॉन्सेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत डायनामिक, जैसे मैंने बताया, चेंजिंग एस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा चेंज. तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने इंटरनल अगर प्रोसेस को देखना है, इंटरनल चीजों को कंट्रोल करनी है, तो अपने ह्यूमन एस्पेक्ट को समझ. एक्सटर्नल के बारे में तो हम बहुत सोचते हैं ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में, कि हम लोग बार बार यही सोचते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं. वी आर नॉट मोर कंसर्न अबाउट अवर एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी, हाउ टू कम्पीट विद अवर कॉम्पिटिटर, हाउ टू सस्टेन इन दिस सोसाइटी. हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एंटरप्रेन्योर, या अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं, तो कंपनी ना बहुत सारा बाहरी कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सोचती है कि बाहर एनवायरनमेंट ऐसा है, बाहर ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग कैसे सस्टेन करेंगे. सो वी डू थिंक लॉट अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर, देन व्हाई नॉट अबाउट द इंटरनल फैक्टर. ये जो इंटरनल हमारे जो ह्यूमन प्रोसेस है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? और नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, बिकॉज प्रोडक्ट कैन बी इमिटेटेड, प्रोसेस कैन बी इमिटेटेड, हर कुछ इमिटेट हो सकता है, बट ह्यूमन लॉयल्टी, ह्यूमन इनोवेशन, दिस कैन नॉट बी इमिटेटेड वेरी फास्ट. ये जो आपकी मोटिवेशन है स्टाफ की, वो नहीं कोई इमिटेट कर सकता. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को ध्यान दें. जैसे फिजिकल एस्पेक्ट होते हैं ना, फिजिकल एसेट्स है हमारे कंपनी में, मशीन है, जमीन जायदाद बहुत कुछ है ऑफिस में, तो उसके संग जैसे फिजिकल एसेट भी डेप्रिशिएट होते हैं, ह्यूमन एसेट्स डेप्रिशिएट नहीं होता है, वो विद देयर रेस्पेक्टिव एक्सपर्टीज उनके स्किल्स बढ़ते ही जाते. तो आज का जो टॉपिक है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. तो जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट, सो डोंट यू थिंक दैट वी शुड बी कंसर्न अबाउट द अकाउंटिंग एज वेल. ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग होनी चाहिए. कि भाई अकाउंटिंग मतलब क्या, यू आर अकाउंटेंट फॉर. हम लोग अकाउंटिंग का सिंपल मतलब क्या करते हैं, हिसाब जानते. तो हिसाब का मतलब क्या हुआ, अगर मैं एचआरए की बात करूं, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो आप क्या बोलोगे, मैम आप क्या स्टाफ की अकाउंटिंग कर रहे हो. क्या होता है, हर एक रिसोर्स, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखते हैं,
इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स. देखो ह्यूमन रिसोर्स इज कंसिडर्ड एज लेबर अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें. तो हमारी इनपुट क्या होती है, लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइज. इसमें जब हम इनपुट डाल रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और आउटपुट निकल रही है. तो नॉर्मली हम लोग अगर इकोनॉमिकली सोचते हैं तो क्या होता है, वी मेजर द प्रोडक्टिविटी. नाउ प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का रेशियो निकालना होता है कि हम लोग कितना प्रोडक्टिव है, कितना प्रॉफिटेबल है. फाइन, अब यहाँ पर देखो HRA का डेफिनेशन. द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट डिफाइंस HRA एज फॉलोज. HRA इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग डेटा अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टी. तो अगर ह्यूमन अकाउंटिंग की बात हम लोग कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है हम लोग अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके बारे में सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उनके प्रोसेस. दिस इज जस्ट अ प्रोसेस जहाँ से हम लोग सारे डेटा HR रिलेटेड सारे डेटा को कलेक्ट करते हैं एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द इंटरेस्टेड पार्टी. अभी इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है, इंटरेस्टेड पार्टीज आप जगह HR की अकाउंटिंग कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो गए, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं. अब मेरा जैसे मैं अगर एक एम्प्लॉई हूँ तो मेरा सबसे पहले मेरे बारे में किसको जानना होगा, मेरा सीनियर. उसका सीनियर मेरे जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं उन्हें भी तो जानने की जरूरत है कि हमारा जो HR है, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस पर कितना खर्च बैठ रहा है, उसे क्या प्रोडक्टिविटी आ रही है. तो ये चीजें हमें जाननी है. तो पहले हम लोग जानते थे कि ये सारे क्वालिटेटिव टर्म्स है, HR का जो एंटायर प्रोसेस है दैट इज क्वालिटेटिव, दैट कैन नॉट बी मेजर. बट ये जो HRA का जो एंटायर कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज नॉट वेरी न्यू एग्जैक्टली, बट इट हैज नॉट येट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ ऑल्सो. सो HRA इज नॉट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, इट्स बीन ओल्ड, बहुत साल हो गए इसको भी. तो HRA ये जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है ये क्या करती है, सिंपली हमारे जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स है उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको लेकर आती है, कन्वर्ट करती है. मतलब HR ह्यूमन रिसोर्सेज, HR मैं HR डिपार्टमेंट की बात करूँ, HR ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे इम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पर्सनल्स हैं उनके जो स्किल्स हैं, उनके जो नॉलेजेस हैं उसपे और उनके जो काम है उसको, ये सारे जो क्वालिटेटिव टर्म्स है उसको क्वांटिफाई कर रही है, न्यूमेरिकल्स में ला रही है कि भाई इतना इनपुट हम दे रहे हैं इसमें हमें इस तरीके से आउटपुट निकल. तो HRA इज ऑल अबाउट मींस कन्वर्टिंग योर क्वालिटेटिव फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू क्वांटिटेटिव. HRA इज द मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल इनपुट सच एज रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट. आप देखो ये सारी चीज को क्वांटिफाई करना इज नॉट दैट इजी. ये सारी चीजों को जैसे ऑर्गेनाइजेशन का आपने बताया, ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर टारगेट ये बहुत आसान होता है, टर्नओवर टारगेट आपने डिसाइड कर लिया इतना करोड़ रुपया होगा, तो इसको क्वांटिफाई करना वुड बी वेरी इजी. बट HR की अकाउंटिंग करना जो कि पूरी तरह से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, आप एक PhD को क्या सैलरी दोगे और एक MBA को क्या सैलरी दोगे, एक PhD इज अ फ्रेशर उसको क्या सैलरी दोगे एंड एन MBA विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनको क्या सैलरी दोगे. So it would be very difficult to quantify this qualitative term. ये सारी qualitative terms है ना कि किसके skills को कितनी salary देनी है. As per the job evaluation, market structure, determining the compensation and then definitely आज की date में देखो ज्यादा से ज्यादा KPO है, knowledge processes है, knowledge workers की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, innovation, patents, research, तो काम के भी जो है ना वो quantitative factors वाले काम बहुत कमते जा रहे हैं. इस टाइम में इस सिनेरियो में टोटल HR अकाउंटिंग इज नो डाउट वेरी टफ, बट इट इज दी वन ऑफ दी वाइटल, मतलब आप देखो HR का एक वन ऑफ दी वाइटल रोल है HR अकाउंटिंग, बिकॉज एवरीवन वुड आस्क यू द ओनली क्वेश्चन दैट
what is your profitability. Now, what is the profitability for getting to know about the profitability structure for any organization? We should know our productivity ratio. हमें अपने productivity जानने की जरूरत है. तो productivity जानने के लिए तो हमें सारे चीजों को input output के ratio में we have to calculate everything in economic term. Fine, तो सब चीज आ जाती है economic term में. तो वही HRA का भी यही important role है. तो हम लोग जानते हैं कि human resource accounting का objective क्या है. तो let us study the objectives of HRA. What is it? Providing cost value information about acquiring, developing, allocating and maintaining human resource. Clearly understood na, you have to provide the cost value information. What I am paying for you and what you are giving to me. And how will calculate it according to your, means how I have acquired you, my recruitment gets it, your training and development, kitna departmental cost lag raha and your maintenance of HR, salary lag raha jo dete hai. So, main aapko kitna de rahi hun, dekho main jo concern hai entire accounting ka. Accounting ka matlab hi accountability. So HR being accountable for the entire HR factor in an organization. The organization mein jo human resource hai, unke puri productivity ki jo responsibility hai na, wo HRD ki ho jati hai. Human resource development ya human resource department ki baat kar rahe hain. Enabling management to monitor the use of human resource. Ye jab aap HR accounting mein aa jate ho na, quantitative terms mein, then the HR factors can be monitored well. क्योंकि हमें पता है कि हमने कितना हम कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर और उससे कैसी प्रोडक्टिविटी आ रही है. देखो ये एचआर अकाउंटिंग जो है ना, ये एक सिंपली मैं अकेले नहीं कर सकती कि मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ, आई एम दी एचआर मैनेजर, आई डू इट. नहीं, एंटायर ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल, सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन उसके बाद एकदम आपको क्या बोलते हैं जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन कंट्रोलिंग, जिसको मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, पीआईसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग. सो हाउ डू वी डू अबाउट, हाउ वी आर गोइंग टू डू अबाउट दिस पीआईसी फैक्टर, उस पर आ जाता है टोटल एचआर. क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तभी आएगी जब आपकी ये पीआईसी फैक्टर ठीक होगी, ये सब जगह पर आ जाता है और ये इफेक्टिव एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वाइड एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मैटर है. तो सब जगह पर इंटीग्रेशन प्रॉपर करना है, सब कोई को मिल के करना है, अकेले नहीं हो सकता ये. फाइंडिंग डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन अमाउंट ह्यूमन रिसोर्स. आप लोग बोलोगे कि ये मशीनरी में होता है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन, मशीनरी या रिसोर्सेज में, एसेट्स में, बट ह्यूमन रिसोर्सेज में भी तो डेप्रिसिएशन होती है. कोई एक ह्यूमन रिसोर्स बहुत एक्टिव था 50 साल पहले और आज की डेट में एज के ऊपर वो नहीं काम कर पा रहा, बीमार है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो रही है. क्योंकि खर्च, कॉस्ट ऑफ मेडिकल इज इंक्रीजिंग, वो काम नहीं कर पा रहे. एक रिटायरमेंट एज जो कि 70 हो गया, 80 हो गया, तो एक हो गए डेप्रिसिएशन फैक्टर और एक हो गए एप्रिसिएशन फैक्टर. हो सकता है फिजिकली कोई कमजोर हो जाए लेकिन एप्रिसिएशन उसका नॉलेज स्किल्स बहुत है, इसकी एक्सपर्टीज बहुत है. तो एप्रिसिएशन क्या हो रहा है, एजुकेशन स्किल्स, ये सारे एप्रिसिएशन होते हैं, सर्टिफिकेट, इसी वजह से सारी कंपनीज डिमांड करती है अपने स्टाफ को कि आप लोग रेगुलर अपने स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो. परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होती है ना कंपनीज की, अच्छी अच्छी कंपनीज की मैंने देखा है, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोग करते थे तो उसमें एक पोर्शन होता था ऑन द स्किल डेवलपमेंट, कि आपने अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे कितना ध्यान दिया. द मोर यू फोकस ऑन दिस डेवलपमेंट यू विल गेट मोर मार्क्स ऑन दिस सेक्शन. फाइन, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे ये भी एक पार्ट है. इंक्रीजिंग मैनेजरियल अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है ना, तो जो मैनेजर्स हैं उनको एक क्लियर इंडिकेशन होता है, उनको पता होता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या वैल्यू, तो मैनेजरियल एक अवेयरनेस आ जाती है फॉर बेटर एचआर की. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमारे हमें बहुत ईजी होगा. एंटायर प्लानिंग का तो पहले आपको पढ़ाया ही है मैंने कि प्लानिंग किस तरीके से करते हैं. तो जब हम अकाउंटेबल हो जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी को लेकर प्लानिंग करेंगे. सिर्फ ऐसे नहीं कि हमने प्लान कर लिया, हम लोग अकाउंटेबल होकर प्लानिंग कर रहे हैं. जब अकाउंटिंग कर रहे हैं हिसाब है तो हिसाब को लेकर प्लानिंग करना है. फॉर बेटर डिसीजंस अबाउट पीपल बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. अभी अगर आप अच्छे डिसीजंस लेना चाह रहे हो अबाउट पीपल बेस्ड ऑन इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, लोगों के बारे में, मुझे वो एक आदमी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा है, वो रोज ऑफिस आ रहा है, टाइम पे आ रहा है, बट मैं देख रही हूँ कि अगर मैं उसकी प्रॉपर डेटा चेक कर रही हूँ ऑन द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्वांटिफायबल इन्फॉर्मेशन जो टोटल अकाउंटिंग से मुझे मिल रही है, देख रहे हो कि उसका क्वालिटी का कुछ ये नहीं है, काम अच्छे से नहीं हो रहा, प्रोसेस अच्छे से नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है,
मेरे जो एक बायस जजमेंट है वो खत्म हो जा रहे हैं, मैं किसी के बारे में भी जो डिसीजन लूंगी प्रॉपर डिसीजन ले पाऊंगी, बिकॉज आई हैव एवरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गैदर्ड एंड प्रॉपरली कम्युनिकेट, असिस्टिंग इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, अपने मैन पावर को हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकेंगे। हो सकता है किसी की एफिशिएंसी रेट 80% है बट वो 50% पे ही काम कर रहा है, 50% पे काम करके वो ठीक है। हो सकता है किसी की ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है, तो वी कैन एक्चुअली इफेक्टिवली यूटिलाइज अवर मैन पावर ओनली विद दिस सिंपल HRA, दैट इज सिंपली अगर हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं, उस अकाउंटिंग से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। There are different methods of human resource accounting. Historical cost है, standard cost है, present value of future earnings, acquisition cost method, replacement cost method, ऐसे बहुत सारे method हैं जिसके द्वारा हम लोग human resource accounting कर सकते हैं।